Hello student, in this video lecture we are going to discuss chapter 4 our political book named Chunavi Rajniti. आज जो ये chapter हम discuss करने जा रहे हैं ये हमारी राजनीति की book का 4th chapter है जिसका नाम है चुनावी राजनीति. इस chapter में हम ऐसे ऐसे topics को पढ़ने वाले जिन्हें पढ़ने के बाद चुनावों से related आपकी जो जो queries होंगी जो भी मन में सवाल होंगे वो सारे सवाल जो है वो उनके जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हमें चुनावी राजनीति यानी हमें पहले चैप्टर का नाम ही समझ लेना चाहिए. चुनावी राजनीति यानी कि चुनाव के विषय में राजनीति यानी चुनाव में जो कार्य हैं वो किस किस तरीके से होते हैं वो हम कम्प्लीटली इस चैप्टर में जानेंगे. तो सबसे पहले जानते हैं कि चुनाव क्या होते हैं. चुनाव लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है. एक चीज़ और कि जो चुनाव है वो सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ में करवाए जाते हैं जो लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं. तो चुनाव क्या है, लोकतंत्र का यानी कि डेमोक्रेसी का एक विभिन्न अंग है क्योंकि चुनाव के माध्यम से लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं. प्रतिनिधि को चुनते हैं यानी कि जो हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले लोग होते हैं उन्हें हम वोट देकर जिताते हैं और वही हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं. और ताकि सरकार का गठन हो और बाकी कामकाज भारत में चुनाव किसी उत्सव से कम नहीं होते. देखो आपने किसी प्रतिनिधि को चुना और वही सदस्य जाकर सरकार में कार्य करते हैं और इस प्रकार हमारी सरकार का गठन होता है. तो ये तो हो गया चुनाव का पूरा काम. और हमारी कंट्री में तो चुनाव बिल्कुल फेस्टिवल की तरह मनाए जाते हैं. फिर जो चुनाव हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो आम चुनाव और एक होते हैं उपचुनाव. तो पाँच और इनकी ना एक फिक्स टाइम पीरियड होता है जो जिसके बाद ये चुनाव होते हैं. हमारी कंट्री के अंदर जो ये आम चुनाव है ये 5 साल बाद करवाए जाते हैं. दूसरे देशों में कहीं 4 साल, कहीं 6 साल, कहीं 7 साल या जो भी टाइम पीरियड है अलग अलग भी होते हैं. तो हमारे देश में 5 साल बाद जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनका कार्यकाल जो है वो समाप्त हो जाता है. यानी कि 5 साल जिन्हें आज चुना गया वो अगले 5 साल तक काम करेंगे और 5 सालों बाद जो उनका कार्यकाल है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर दोबारा चुनाव होंगे और नए सदस्य चुने जाएंगे. लोकसभा और विधानसभाएं हैं वो भंग हो जाती हैं. यानी जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका भी चुनाव में दोबारा से चयन होता है और जो विधानसभा में होते हैं उनका भी दोबारा से चयन उन 5 साल की वोटिंग में होता है. और फिर सभी चुनावों में होने वाले चुनाव जो होते हैं वो आम चुनाव होते हैं जो पूरे एरिया में कराए जाते हैं. फिर उसके बाद आते हैं उपचुनाव. तो किसी भी क्षेत्र के सदस्य की यानी किसी ये वो चुनाव है जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कराए जाते हैं किसी वैसी ऑकवर्ड स्थिति की वजह से, जैसे कि किसी क्षेत्र के सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा उसने दे दिया तो उससे अगर वो सीट वो खाली हो गई तो उस पर्टिकुलर खाली सीट के लिए जो चुनाव कराए जाएंगे उन्हें हम कहेंगे उपचुनाव. जो हमारे लोकतांत्रिक चुनावों के लिए बहुत ही ज़रूरी शर्तें होती कि अगर यदि आप अपने देश में लोकतांत्रिक रूप से चुनाव करा रहे हैं तो उसमें ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए. तो जानते हैं कौन सी चीज़ें. हर किसी को मत अधिकार हो यानी कि आपके देश में जैसे भी लोग हैं अमीर गरीब मतलब मेल है या फीमेल है सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए. चुनावों में विकल्प की उपलब्धता यानी कि एक से ज़्यादा पार्टियां चुनाव में खड़ी हों ताकि जो जनता है उसके लिए विकल्प मिल सके कि वो एक नहीं तो दूसरी पार्टी, दूसरी नहीं तो तीसरी पार्टी, जो भी जनता को पार्टी पसंद हो वो उसे चुन सके. अब सिर्फ एक ही पार्टी होगी तो उसमें कोई क्या पसंद जताएगा, वोट दो या ना दो वही पार्टी जीतेगी. तो कम से कम एक मतलब दो या दो से तीन पार्टियां चुनाव में उपलब्ध होनी चाहिए. चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर हो कि चुनाव जो है वो हर समय में एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद कराए जाएं. जैसे अपनी कंट्री में हर 5 साल में नॉर्मल आम चुनाव कराए जाते हैं उसी तरीके से एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद चुनाव दोबारा से कराए जाने चाहिए. चुनाव वास्तविक होना चाहिए यानी कि रियलिटी में चुनाव पूरे सिस्टमाइज तरीके से कंप्लीट रूल रेगुलेशन के साथ
जो चुनाव कराए जाते हैं उनको ही हम कहते हैं वास्तविक चुनाव। तो लोकतंत्र में अगर वास्तविक चुनाव हो रहा है तो ही उसे हम लोकतांत्रिक रूप से कराया हुआ चुनाव कहेंगे। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, यानी कि जो भी हमारी जनता है, जो वोटर्स हैं, वो कम्प्लीटली, उन्हें फ्रीडम होनी चाहिए वोट डालने की, उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रेशर, कोई दबाव नहीं होना चाहिए और चुनाव किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए। वो कम्प्लीटली निष्पक्ष हो, किसी की भी साइड का ना हो और फिर जितनी भी पब्लिक है वोट देने वाली वो स्वतंत्र होनी चाहिए। जिस भी देश में अगर आप चुनाव करा रहे हो, अगर वो लोकतांत्रिक रूप से हैं, तो उनमें ये जो पांचों पॉइंट्स हैं वो होने चाहिए। अगर इन पांचों में से दो या तीन चीज़ें वो लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं, बाकी दो तीन चीज़ें वो लोग फॉलो कर रहे हैं, तो उसे हम कम्प्लीटली लोकतांत्रिक चुनाव नहीं कहेंगे, उन्हें हम आंशिक लोकतांत्रिक चुनाव कहेंगे, क्योंकि उन्होंने कंप्लीट चुनाव, लोकतांत्रिक चुनाव जो है उन रूल रेगुलेशन को कंप्लीटली फॉलो नहीं किया। तो जो कंप्लीट फॉलो करते हैं उन्हें हम कहते हैं संपूर्ण लोकतांत्रिक चुनाव, और जो कुछ कुछ इनमें से कुछ कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं, कुछ को नहीं करते, उन्हें हम बोलते हैं आंशिक लोकतांत्रिक चुनाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो चुनाव में क्या होता है कि जैसे बहुत सारे हम चुनाव करा रहे हैं, तो मतलब अलग अलग स्तर पे चुनाव होते हैं और अलग अलग स्टेट में भी कई बार अलग अलग टाइम पे चुनाव होते हैं। तो उनमें अगर आप चुनाव करा रहे हो तो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि चुनाव आयोजन करवाने से पहले एक देश में कराई जाती हैं। जैसे कि चुनाव की सबसे पहले तो घोषणा कि चुनाव कितनी तारीख से कराए जाएंगे, फिर प्रत्याशियों का चयन कि हर जितने भी लोग हैं उन्हें सीट्स बता दी जाए कि इस सीट से कौन सा सदस्य खड़ा हो रहा है, नामांकन पत्र भरना, यानी कि जो जो प्रत्याशी हैं वो अपने नामांकन पत्र को भर देंगे, यानी कि नामांकन का अर्थ है यहाँ पर कि अपने नाम के साथ अपनी पार्टी का नाम जो है वो चुनाव आयोग को देना, उनके पास जाकर अपने नाम और अपने चुनावी पार्टी जो भी है, जो भी आपका सिंबल है, उसके साथ अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना। फिर चुनाव चिन्हों का आवंटन करना, कुछ कुछ तो पहले सिर्फ क्या होता है कि उनके पास खुद का कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता, तो उन्हें जो चुनाव आयोग है वो उन्हें मुहैया करवाता है, यानी कि उन्हें ऑप्शन देता है कि आप ये नहीं तो ये अपना चुनाव चिन्ह ले सकते हो। ये चुनाव से पहले की प्रक्रिया है। फिर राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी घोषणा पत्र जारी करना, यानी चुनाव में जो भी चीज़ें वो लोग घोषित करना चाहते हैं, है ना, वो सारे काम करना। जैसे कि अलग अलग पार्टियां आती हैं जो वादे करती हैं, तो वो चुनावी दलों की अपनी अपनी घोषणा होती है कि अगर हम जीत जाएंगे तो हम ये करेंगे, स्कूल बनवाएंगे, हॉस्पिटल बनवाएंगे, जिस भी तरीके के वो लोग जो वादे करते हैं उन सभी वादों को क्या कहते हैं, चुनावी घोषणाएँ, जो राजनीतिक दल यानी कि राजनीतिक पार्टियाँ करती हैं चुनाव से पहले। उसके बाद चुनाव का अभियान, यानी कि जो भी पार्टियां हैं जो रैली करती हैं, अपना प्रचार करती हैं, वो एक अभियान की तरह होता है। आप जिस टाइम पे देखोगे वोट होने वाले होते हैं, उससे पहले हर तरफ आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी, सब पार्टियां अपना प्रचार करती हुई दिखाई देती हैं। तो इस समय को हम बोलते हैं कि एक चुनाव अभियान की तरह है। फिर उसके बाद क्या होता है, वोटिंग हो जाती है, मतदान लोग देखते हैं, जो डेट आ जाती है कि भाई आज के दिन चुनाव होना था तो आज वोटिंग मिल गई। उसके बाद मतों की गणना की जाती है, वोटों की काउंटिंग होती है, और वोटों की काउंटिंग के बाद हमें पता चल जाता है कि कौन पार्टी जो है वो चुनाव जीती है, और फिर परिणामों की घोषणा कर दी जाती है, और जो पार्टी सबसे ज़्यादा वोट लाती है वही सत्ता में आ जाती है, और उसी पार्टी को हम कहते हैं सत्ताधारक पार्टी। फिर आए राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कॉम्पिटिशन, यानी कि अब कॉम्पिटिशन कब होगा, जब कई सारे लोग उसमें शामिल होंगे तब। और ये राजनीतिक यानी कि सत्ता में आने के लिए जो कंपटीशन होता है उसे कहते हैं राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। चुनाव सभी प्रतिस्पर्धा के बारे में, यानी कि हर एक पार्टी के बीच में कंपटीशन चलता है कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। प्रतिस्पर्धा के बिना चुनाव अर्थहीन हो जाता है, यानी कि पार्टियाँ सिर्फ एक दो, एक ही पार्टी हो तो क्या उससे कोई कॉम्पिटिशन होगा, क्या हमारे मन में सस्पेंस होगा कि कौन सी पार्टी जीतेगी। जब एक ही पार्टी है तो वही अकेले जीतेगी, अगर कई सारी पार्टियां हैं तो मन में
शंका बनी रहती है, पता नहीं कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी हारेगी, कौन सी सत्ता में आएगी। तो ये तभी हो पाएगा जब पार्टियों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी, और प्रतिस्पर्धा तब होगी जब पार्टियां एक से ज्यादा होंगी। और राजनीतिक दल विश्वास हासिल करने और मतदाताओं का वोट हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, वादे करते हैं, मतदाताओं को प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। आप सब लोगों ने नॉर्मली ये सारी चीज़ें देखी होंगी, जब आते हैं लोग अपने चुनावी पार्टियों को प्रचार करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, दूसरी पार्टियों को अपने से नीचा दिखाते हैं कि भाई उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं करा, जो उन्होंने नहीं करा वो हम करेंगे, चुनावी वादे करते हैं कि आप हमें जिताओ, हम आपकी पार्टी मतलब आपके पूरा एरिया का हुलिया बदल देंगे, हम आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देंगे, हम रोज़गार देंगे, तमाम वादे करते हैं। और ये प्रतिस्पर्धा होती है, यानी कि हर एक पार्टी लगभग सभी एक जैसे ही काम कर रहे हैं, सबके वादे एक ही जैसे, वो आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, हम आपके लिए करेंगे। तो इस तरीके से सबके बीच में कंपटीशन होता है, सब एक दूसरे को अपने से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, जो कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं, आप हमें जिताइए। मतदाताओं को प्रेरित करते हैं कि भाई तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें नौकरी दिला देंगे, हम तुम्हारे एरिया में हॉस्पिटल बनवा देंगे। तो इस तरीके से जो जनता होती है वो अपने हिसाब से, जिसका भाषण जिसको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा वो उसी की बातों को मानने लगती है, उसी पर भरोसा करने लगती है। लेकिन वो भरोसा चुनाव के कुछ समय बाद ज़्यादातर तो टूट ही जाता है। फिर चुनावी प्रतियोगिता के दोष, कि जो चुनावी प्रतियोगिताएं होती है उससे लोगों के बीच में या फिर चुनावी पार्टियों के बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, यानी चुनावी जो प्रतियोगिता है उसकी कमियां क्या हैं। कि प्रतियोगिता तो अच्छी बात है लेकिन इसकी बहुत सारी कमियां हैं, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो हर इलाके में एकता, गुटबाजी और पार्टी राजनीति की भावना पैदा हो जाती है, यानी कि अलग अलग दल। तो जो हमारा समूह है यानी कि हमारी जो जनता है, वो जनता ना दलों के हिसाब से बढ़ जाती है, यानी कुछ को बीजेपी पसंद है, कुछ को कांग्रेस पसंद है, कुछ को बीएसपी पसंद है। तो इससे क्या होता है कि सब ना अपनी अपनी पार्टी के सपोर्टर हो जाते हैं, तो उससे जो हमारा समाज है वो पार्टियों के सपोर्ट के अकॉर्डिंग बट जाता है।